Hi everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture, we are going to discuss what is environmental impact assessment. So before we move on to the topic which is environmental impact assessment, I just want to clear you that what is Environmental Protection Act 1986. सो बेसिकली हुआ क्या था, जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो आप सबको पता है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज बनाने चाहिए जिससे इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट्स ना रिपीट हो। ठीक है, तब जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंट्रोड्यूस किया गया था। आफ्टर 1986 इंडिया में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो आया वो आया 1994 में। ठीक है, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली है क्या, अगर कोई भी इंडस्ट्री लग रही है या कोई डैम या फिर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल, फ्रॉम स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट। मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम क्या इवेल्युएट करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है या माइनिंग प्रोजेक्ट है या डैम है, तो उससे उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और ये इम्पैक्ट इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है या ह्यूमन हेल्थ पे उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से क्या जो है अफेक्ट हो रहा है, तो यही सब डिस्कस होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है 1994 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद से ही इसमें वेरियस अमेंडमेंट हुए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है शुरू होती है तो उसमें हमें अमेंडमेंट्स करने ही पड़ते हैं टाइम के साथ साथ। सो 1994 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी टू ऑब्टेन एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। तो कोई भी इंडस्ट्री या डैम या माइनिंग प्रोजेक्ट अगर शुरू हो रहा है तो उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी। ठीक है, इन 1994। सो इन 1997 गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक हियरिंग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कि ताकि जो है पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट हो उस प्रोसेस में, कि अगर जो है वो भी अवेयर रहें कि कोई भी इंडस्ट्री शुरू हो रही है तो उन पर कोई जो है जो भी हार्म्स हो रहे हैं उस पर डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद जो मेजर अमेंडमेंट हुआ इस लॉ में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, वो हुआ 2006 के नोटिफिकेशन जब आया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो इसमें दो जो है प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट्स आए उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इसमें बेसिकली जो है ग्रेटर इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स थे, जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है, और सेकंड जो है प्रोजेक्ट था इसमें वो था कैटेगरी बी, जिसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना था स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, और कैटेगरी बी को भी B1 और B2 में क्लासीफाई किया, कि कैटेगरी B1 में जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, और B2 में जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें जो है EIA प्रोसेस से एग्जेम्प्टेड रखा गया। ठीक है, सो 2006 का ये जो नोटिफिकेशन था ये काफ़ी पॉपुलर रहा, क्योंकि इसके बाद ये प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी